नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन पर। तो जिन लोगों को ना सुनाई नहीं देता ना, वो लोग वीडियो ना देखें, क्योंकि कुछ लोग बिना सुनाई दिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे, बस बकवास किए जा रहे हैं, बकवास किए जा रहे हैं। एक मैडम बोलती है कि मैंने नेहा के बारे में गलत कैस क्या क्यों बोला, वो बहुत अच्छी है। क्या मैंने जो इससे पहले वीडियो डाली थी, क्या एक भी शब्द नेहा के लिए बोला? बल्कि मैं बोलती हूँ कि अगर आप यहाँ पर कोई कितनी भी कोशिश कर ले, किसी के कहने से नेहा की इमेज डाउन नहीं होगी, क्योंकि उसने अपनी इमेज ऐसी बनाई है वहाँ पे। तो जो अगर आप लोगों को सुनाई नहीं देखता ना, तो कान बंद करके मत सुना करो, या तो मशीन डलवा लो या फिर सुनना और वीडियो देखना बंद कर दो। अति होती है हर चीज की, बदतमीजी की अति होती है। कुछ भी बकवास करनी है जस्ट बिकॉज इनके फेवरेट को मैंने फेवर नहीं किया, इनके फेवरेट के लिए मैंने कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब एलिगेशन लगा दोगे, कुछ भी बकवास कर दोगे। जो चीजें मैं बोल नहीं रही हूँ, जबरदस्ती उनको मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। सुनाई नहीं देता क्या बोला जा रहा है? दिखाई नहीं देता क्या दिखा रही हूं? तो मत देखो वीडियो। ये उनके लिए जो बिना वीडियो देखे बकवास करके जाते हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं। शर्म कर लो, शर्म। वीडियो में एक भी बद्दुआ दिए मैंने? एक भी गंदा बोला है? एक भी कैरेक्टर पे उंगली उठाई है नेहा की या किसी के भी? नहीं। पर इन लोगों को सुनाई दे गया, वाह भाई वाह। जो बद्दुआएं दे रहे हैं ना, अपने ऊपर ही आके लगेगी, डबल लगेगी, तो संभल के दो। एक बात और कहती हूं मैं आप यहां पे, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले भी कई बार बोल चुकी हूं कि मेरी परमिशन के बिना मेरी कोई भी वीडियो को शेयर ना किया जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर इंडिविजुअल रिएक्शन देती हूँ, मैं अपनी मर्जी से देती हूँ। ये चीज़ें करके कि मैं वीडियो शेयर की जा रही है या कुछ किए जा रही है, मैं आपके फेवर में नहीं आऊँगी। मुझे जहाँ आप गलत लगेंगे वहाँ मैं गलत बोलूँगी, जहाँ सही लगेंगे मैं वहाँ सही बोलूँगी। तो ये चीज़ें करके कि मेरी वीडियो शेयर कर रहे हो आप, जिससे कि मैं दब जाऊँ, मुझे ऐसा लगे ओ इसने तो मेरी वीडियो शेयर की है, मैं एक आधी और इनके फेवर में बना दूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ भाई, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के ऐसे सब्सक्राइबर की या किसी चीज़ की, जो किसी के अंधभक्त हो, मुझे नहीं ज़रूरत है। मुझे ऐसे सब्सक्राइबर चाहिए मेरे यहाँ पे जो कान खोल के और आँखों को खोल के सुनते हो, ना कि कुछ भी है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ना किया जाए। मुझे जहाँ जो गलत लगेगा मैं उसके लिए वहाँ वो बोलूँगी, अपने स्टैंड पे रहती हूँ, अपने आप से जो मुझे समझ में आता है वो बोलती हूँ। मुझे कोई बुलवा नहीं सकता है, इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ जो किसी के कहने पे बोलूँगी मैं। मेरे पास में व्यू कम आए या कुछ भी आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे सिर्फ व्यू करने होते ना, तो मैं एक एक ले कर लपेट लपेट के कर लेती। मुझे पता है बहुत तरीके से कि किस तरीके से यूट्यूब पर व्यूज़ कमाए जा सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं अपनाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं है लालच इतना। मुझे जो है मैं वो दिखाती हूँ। तो मत करो मेरी वीडियो शेयर, ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं खुद नहीं चाहती ये चीज़ें हो। इसके आगे एक बात और कहना चाहूँगी मैं, यहाँ पर कुछ लोग आके कह रहे हैं कि आपने किसी ब्लॉगर किसी रिएक्शन चैनल वाले का नाम लिया कि उनकी कम्युनिटी देखी वीडियो बनाने से पहले। नहीं, मैंने नहीं देखी। मैंने जो वो वीडियो बनाई थी वो सचिन की वीडियो का रिएक्शन था। सुना आपने? आई होप अब सुन लिया होगा, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ, वो उनकी वीडियो का रिएक्शन था। मेरा सवाल ये था कि जब वो दवाई वाली बात जिस वक्त चल रही थी उस वक्त ही क्यों नहीं बताई गई, उस वक्त इतनी ज़्यादा गाली क्यों पड़वा दी गई उस जिसको दवाई दी गई लड़की को, उसको, ये मेरा सवाल था, उस वीडियो से था, ना कि किसी की कम्युनिटी से। दूसरा सवाल यह था कि क्या आपके पास कोई सबूत है इस चीज़ का कि सरिता जेठू जी ये वीडियो ये सब चीज़ें चला रही हैं, ये सब चीज़ें चलवाई हैं, लोगों को दी है, ये किसी की कम्युनिटी से रिलेटेड है या कुछ है? नहीं, कम्युनिटी की तो मैंने बात ही नहीं की। मेरा सवाल तो सिर्फ इसलिए हो रहा था कि ये चीज़ें अब क्यों आई हैं। उसमें किसी लोगों ने कहा कि कम्युनिटी में ये चीज़ें बोली गई। अगर कम्युनिटी में इतनी बड़ी बात बोली जा रही है कि किसी महिला और पुरुष के संबंध को इतने गंदे तरीके से दिखाया जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। आप सीधा सीधा किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो कि मेरे पास में जो मैं दिखा दूंगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 3 महीने से ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो दिखाओ ना, दिखाओ पुलिस स्टेशन में जाके, पुलिस स्टेशन में जाके दिखाओ कि एक्चुअली में चीज़ें क्या हो रही है।
मैंने सिर्फ एक सबूत ही तो मांगा था कि भाई आप अपनी इतना बड़ा एलिगेशन किसी के ऊपर लगा रहे हो कि भाई उसने ये सब चीजें करवाई है, उसने ये वीडियो दी है, तो सबूत तो दो। उसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? कुछ भी नहीं। मुझे लगा सबूत मांगना चाहिए, भाई सबूत तो दिखा दो, इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं, जब भी तो हम माने ना कि कोई गलत है। पर नहीं, जो कम्युनिटी छापी गई वो बिल्कुल गलत थी, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लीगल एक्शन लो ना, लीगल एक्शन लो कि भाई मुझे इस तरीके से धमकी आ रही है, किसी महिला के कैरेक्टर पे जोड़ा जा रहा है, किसी पुरुष के कैरेक्टर पे जोड़ा जा रहा है, किसी के घर को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, लो एक्शन उस पर, बोलो। पर नहीं, सिर्फ YouTube पर आकर बोलना है। एक तरफ वो है सपना, जिसके साथ इतना कुछ हो रहा है, जिसके साथ में उसका भाई का किसी ने नाम जोड़ दिया तो उन्होंने लीगल एक्शन ले लिया। इस तरीके के एक्शन लो ना, एक्चुअली में भाई बनो, एक्चुअली में बनो, ना कि एलिगेशन लगाओ। अगर इसमें सरिता जेठू जी शामिल है तो उनको भी सजा होनी चाहिए, अगर वो शामिल है तो उनको सजा होनी चाहिए। कोई भी शामिल है, चाहे कोई वो रिएक्शन चैनल वाला हो, कोई बीच में मजे लेने वाला हो, कोई आपका दोस्त हो, आपके भाई हो, कोई भी हो, सबको सजा होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर की बात आ रही है, यहाँ पे किसी के घर को बर्बाद करने की बात आ रही है। तो मैंने उन पर सवाल उठाया था, ना कि मैंने इन चीजों को बोला था कि अगर बोल दिया तो सही बोल दिया, एक बड़ कर दिया वो कर दिया। नहीं, जो मुझे सही लगा वो चीजें मैंने बोली। इतना ज्यादा क्यों फर्क पड़ गया? मुझे तो सिर्फ मन में ये आ रहा है कि भाई जब भी बोला गया रिएक्शन चैनल वालों के पास में वीडियोज आई है, ये आया है, वो आया है, भाई हमने बोल दिया नहीं आई, मेरे जानने वाले कुछ लोग हैं उनके पास में नहीं आई। बट अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों के पास वीडियो आई, लेकिन इसका सबूत कहाँ है, किसने दी है? जिस तरीके से आज मुंह उठा के सरिता जेठू जी पर सवाल उठाया जा रहा है, उस तरीके से अपने भाई पर सवाल क्यों नहीं उठा कि तूने इस तरीके से चैट क्यों की, किसी को अपने घर की पर्सनल चीजें क्यों बताई, उस पर सवाल क्यों नहीं उठा? तो यहां पर अगर आप एक एक मेनली केस करेंगे या कुछ करेंगे, वो चीजें निकल कर आ जाएगी, डिटेल निकल के आ जाएगी, किसी ने वीडियो इस तरीके से शेयर किया, कुछ भी करे, इनलीगल है। मैं एक बात और कहती हूं, यहाँ पे रिएक्शन चैनल बहुत बन रहे हैं, बहुत बन रहे हैं, पर अगर आप लोग समझदारी से काम लोगे ना तभी चलेंगे। आपको किसी ने पर्सनल चीजें भेज दी, आप उनके लिए दूसरों को धमकियां दे रहे हो, दूसरों को ब्लैकमेल कर रहे हो, या फिर उनको चला रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो, तो वो चीज़ें ना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। सिर्फ किस लिए कि आप किसी की वीडियो पहले डाल देंगे तो उस पर व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, इसलिए अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो ना, तो ये इलीगल आप बहुत गलत कर रहे हो, इलीगल कर रहे हो। आप जानते नहीं हो आपको क्या सजा होनी चाहिए होगी, तो ये चीज़ें ना करें, ये हरकतें ना करें। रिएक्शन चैनल का कोई ये अथॉरिटी किसी ने नहीं दी कि आप किसी की पर्सनल लाइफ की, जो कि सोशल मीडिया पर नहीं है, उनकी धज्जियां उड़ा दे, ये अथॉरिटी नहीं दी है। रिएक्शन चैनल का मतलब ये नहीं है कि मुंह में जो आया बक दिया, मुंह में जो आया बोल दिया, मुंह में जो आया किसी को जो है कैरेक्टर पे बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, नहीं। और अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप प्लीज रिएक्शन चैनल वालों का नाम ना लो कि आप रिएक्शन चैनल हो, क्योंकि फिर अगर आप नाम लोगे और फिर बदनाम होगे ना, तो फिर रिएक्शन चैनल वाले बदनाम होते हैं, ऐसे लोगों की वजह से बदनाम हो। अभी बहुत सारे रिएक्शन चैनल ऐसे आ रहे हैं जो कि बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से काम करोगे ना तो एक दिन का फेम मिलेगा, उसके बाद चैनल भी जाएंगे, बहुत सारे उड़ते हैं ऐसे चैनल। तो अंत में तो मैं यही कहूंगी कि आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि मेरी वो वीडियो किस लिए थी, वो स्टैंड किसके लिए था। और अगेन मैं यही बोलूंगी कि अगर सोशल मीडिया पर किसी की भी इज्जत की धज्जियां उड़ेगी ना, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, तो उसको लीगल एक्शन लेने के लिए वो कैपेबल है, उसको लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ जरूरत से ज़्यादा किसी को आप अथॉरिटी दोगे अपनी ज़िंदगी में घुसने के लिए, तो वो भी गलत होगा। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।